ऑनलाइन आवाज आ रही है चेक करो क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है क्लियरली आ रही है क्या हम साथ कर सकते हैं बोलिए हाँ या ना? जल्दी चला गुड इवनिंग कैसे आप सभी लोग आई होप एब्सोल्युटली फाइन आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमने अभी तक ओएम के अंदर में जो प्रैक्टिकल पार्ट है जो हमने कल देखा था उसके अंदर में हमने एलपीपी uh, वाला जो पार्ट था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम उसको कंप्लीट किया था कुछ दो क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए कहे थे आई होप आपने प्रैक्टिस किया होगा uh, हम इन दी मीन वाइल आज उसको चेक जरूर करेंगे बट फिलहाल के लिए अच्छा एलपीपी के अलावा हमने सिमुलेशन भी कल किया था सिमुलेशन के भी तीन क्वेश्चन सोल्व किए थे उसका भी एक क्वेश्चन मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिया था ठीक है अभी मैं असाइनमेंट को स्टार्ट करता हूं सिंस आज का लेक्चर मेनली असाइनमेंट के ऊपर एंड असाइनमेंट के साथ साथ जो उसका सिमिलर आइटम है ट्रांसपोर्टेशन इसके ऊपर हमने थ्योरी का जो लेक्चर नंबर और हुआ था थ्योरी के अंदर में हमने असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसीजर समझा था थोड़ा सा रादर मैं ऐसा बोलूंगा सिर्फ गोथ्रू किया था पन्ने मैंने आपको तभी कहा था जब हम क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे तो उस समय पर हम गोथ्रू करेंगे वापस से उस चीज को ठीक है हम क्या करेंगे हम पहला असाइनमेंट का प्रॉब्लम सोल्व करने से पहले उस थ्योरी को गो थ्रू करेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके साथ हम देखते जाएंगे कंटिन्यूसली हम वो तरीके से कर रहे हैं क्या तो आपको दोनों चीजें क्लियर हो प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी सेम थिंग विल डू फॉर ट्रांसपोर्टेशन वी हैव फ्यू क्वेश्चंस मे बी वन वन क्वेश्चन ईच ईच टू टू क्वेश्चन एंड सो ऑन लेट अस सी जैसा हो पाता है आज के ढाई घंटे के सेशन में एट द सेम टाइम इस बीच में हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो एल एल पी का एक हाथाद क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे सिमुलेशन का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे ठीक है अगेन बता रहा हूं आपको जो मैंने ये प्रैक्टिस बुकलेट दिया है इसमें जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप इनके भरोसे पे एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाओगे सो डू नॉट वरी अबाउट इट ठीक है चलिए गोइंग टू थ्योरी पार्ट गोइंग टू दिथ थ्योरी पार्ट ऑफ असाइनमेंट ठीक है चलिए अरे कहाँ गया ये बाद था शायद हाँ ये रहा चलिए यहां पे हमारा होता है असाइनमेंट वाला पार्ट है यहां पे असाइनमेंट का पार्ट चालू होता है ठीक है आई होप स्क्रीन विजिबल है ना मतलब कुछ डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा ना स्क्रीन में ठीक है चलो तो पीपल ध्यान से सुनना लेक्चर बाद में प्राइवेट हो जाएगा तो अच्छे से सब चीजें समझ लो बाद में रिफर करने का मौका नहीं मिलेगा सिर्फ नोट्स मिलेंगे ठीक है ध्यान देना तो कई असाइनमेंट के अंदर में हमें सबसे पहली चीज चेक करनी होती है कि क्या आपका जो गिवन क्वेश्चन है गिवन मैट्रिक्स है वो बैलेंस्ड है या नहीं मैट्रिक्स बैलेंस तब होता है जब उसके नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू तो नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बैलेंस है तो यू कैन गो अहेड बट अगर नहीं है, तो आपको कॉलम्स इक्वल हो जाते हैं तो आपके मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ये वो पर्टिकुलर नंबर हो जाता है. So, है तो ऑब्वियस बात है आपके रोज भी तीन होने चाहिए तभी आप इसके ऊपर हंगेरियन मेथड लगा सकते हो जो हम देख रहे हंगेरियन मेथड है एट द सेम टाइम वी नीड टू ऑल्सो दैट

तो मिनिमाइजेशन है गो अहेड मिनिमाइजेशन नहीं है तो कन्वर्ट करना है मिनिमाइजेशन में कैसे करेंगे चूज दी हाईएस्ट नंबर फ्रॉम दी मैट्रिक्स एंड सब्सट्रक्ट ऑल दी एलिमेंट्स फ्रॉम इट एंड फॉर्म अ न्यू मैट्रिक्स न्यू मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स ठीक है न्यू मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स उसके बाद

ऑल ठीक है, में, बस उसे हमें समझना है. करना है. हमें अपनी कमियां नहीं दिखेंगे लाइन मारते समय लाइन मारनी है उसमें हमारे जीरोज वगैरह नहीं दिखाने हैं नॉर्मल तरीके से लाइन मारनी है बट एक ट्रिक है लाइन मारते समय हमें ये जरूर ध्यान देना है कि हम मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं जीरो कवर करने के लिए ज़्यादा लाइन अननेसेसरी मारोगेगा तो भी मजा नहीं आएगा जितने रिक्वायर्ड है उतने ही लाइन मारने हैं ठीक है सो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन एक बार लाइन मार दिए फिर आपने चेक करना है कि जो आपने लाइन मारी हुई है जो आपका सोल्यूशन बना हुआ है वो ऑप्टिमल है या नहीं कैसे चेक करूंगा उसके लिए एक टेस्ट है ऑप्टिमलिटी टेस्ट कैसे चेक करते हैं नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन जितने लाइन आपने मारे हुए हैं क्या उतनी की जरूरत थी मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ लाइन शुड बी इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ लाइन शुड बी दी इफ इट इज नॉट देन यू नीड टू मेक एन इम्प्रूव मैट्रिक्स हाउ डू वी मेक इम्प्रूव मैट्रिक्स उसके लिए वापस से ध्यान देना आपको कवर्ड एलिमेंट अनकवर्ड एलिमेंट समझना पड़ेगा जो लाइन ड्रॉ करने बाद लाइन के नीचे एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं कवर्ड एलिमेंट उसके अलावा जो इसको हम बोलते हैं अनकवर्ड एलिमेंट जो लाइन से ड्रॉ मतलब लाइन उसके ऊपर ड्रॉ नहीं किया गया है तो आपने अनकवर्ड एलिमेंट में से एक छोटे में छोटा एलिमेंट लेना है उसको सभी अनकवर्ड एलिमेंट्स में से माइनस करना है और जहां पे कवर्ड एलिमेंट जहां कवर्ड के दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे आपने उसको एड करना है मैं करके दिखाऊंगा कैसे करना है सो तो आपको उसको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है सो डोंट वरी अबाउट इट बट हाँ जरूर समझिएगा ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या बोल रहा हूँ मैं ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस चीज को समझना है एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद आता है मेन स्टेप आपका इसके बाद मेन स्टेप है जी हाँ इसके बाद एक बार वो बन गया वापस से ऑप्टिमलिटी चेक करेंगे ऑप्टिमल है ठीक है नहीं है ऑप्टिमल तो फिर से सेम सेम प्रोसेस प्रोसेस फिर से प्रोसेस। और अगर ऑप्टिमल है तो बस जीरो सेलेक्ट करिए ओरिजिनल मैट्रिक्स में जाइए अलॉटमेंट बनाइए मैं बताऊंगा कैसे करना है आपका काम हो जाएगा ठीक है अच्छा इसमें स्टार्ट सेलेक्टिंग दी जीरो आपको जीरो सेलेक्ट करने पड़ेंगे वापस से ये एक डिफिकल्ट टास्क है आपने वो जीरो सेलेक्ट करना है जो एक रो या एक कॉलम में एक ही है तो यहां पे जब मैं लाइन मार रहा हूँ लाइन मारने के बाद जब मैं जीरो सेलेक्ट कर रहा हूँ फॉर दी पर्पज ऑफ फॉर्मिंग दी फाइनल आंसर मुझे ये ध्यान देना है कि मैं एक रो एक कॉलम में से एक ही जीरो सेलेक्ट करता हूं मीनिंग यूनिक जीरो उससे ज्यादा मुझे नहीं सिलेक्ट करना है ठीक है चलिए अस सॉल्व क्वेश्चन लेट दी क्वेश्चन आइए क्वेश्चन सॉल्व करते मैंने जितनी जगह दी हुई है ना आपको एक पेज दिया हुआ है करीबन इसमें फिट हो तो जाना चाहिए नहीं होगा तो आप एक्स्ट्रा पेज या जगह आप यूज़ कर सकते हो, पहला क्वेश्चन है, है साथ में सॉल्व करेंगे दूसरे क्वेश्चन में आपको ट्राई करने का मौका दूंगा ठीक है कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम टू अलॉट फाइव मिडिल बैटिंग पोजिशन टू फाइव बैट्समैन नाउ समझना बात को Five middle batting positions. So one, two, three, four and five. Five middle batting positions. So five batsmen. One, two, three, four and five. So you have five batsmen appearing on the uh, you can say left hand side and you have five positions appearing on the top end. Okay, so columns are and rows are. Average runs scored by each batsman is given below. मतलब अगर ये P नाम का जो batsman है ये first position पे खेलता है तो averageली 40 run बना लेता है. But अगर ये fifth पे खेलेंगा तो 50 run बना लेगा. आप क्या बोलोंगे उसको fifth position पे भेजना चाहिए? अगर महेंद्र सिंह धोनी फिनिशिंग कर रहा है और बहुत बढ़िया कर रहा है वैसा फिनिशिंग सिर्फ हार्दिक पांड्या कर सकता है कुछ हद तक तो आप या तो हार्दिक पांड्या या तो महेंद्र सिंह धोनी करेंगे आप सचिन तेंदुलकर को उस पे नहीं बेचेंगे तो आप ट्राई करोगे अगली बार उसको ओपनिंग पोजिशन पे भेजोगे उसको फिनिशिंग पे नहीं भेजों राइट बस यही बात है तो सर इतना आसान है ना अरे भाई आसान तो तब है जब डेटा लिमिटेड है दो लोगों की बात है दो पोजीशंस की बात है पांच दस पंद्रह कर दी तो पूरा मैट्रिक्स बहुत बड़ा बन जाता है चांस ऑफ टोटल क्या

क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो मतलब ध्यान तो देना ही है उसके अलावा इस पर भी ध्यान देना है कि आपको जो नोट्स लिखने होते हैं ना बीच में कि आप कर क्या रहे हो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नोट लिख के दिखाता हूं आप मत लिखेगा सुनो सिर्फ एक नोट लिख के दिखाता हूं मैं आपको आप जैसे आंसर स्टार्ट करोगे ना आपको ऐसा लिखना पड़ेगा दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन टू सॉल्व इट यूजिंग असाइनमेंट टेक्निक या हंगेरियन टेक्निक जो भी आपको लिखना होगा असाइनमेंट टेक्निक इट हैज टू बी कन्वर्टेड टू अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बाय फॉर्मिंग अ रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स आपको ऐसे लिखना है

अगर आपको ये नोट लिखना है तो लिख लो मैं इसे मिटाऊंगा सिंस यहाँ पे जगह कम है इतने में, में मेरा मैट्रिक्स बन जाएगा ठीक है एक बार देख लीजिए इस नोट को लिखना है तो लिख लीजिए फोटो खींचना है खींच लीजिए तुरंत से अपन आगे बढ़ेंगे तुरंत से अपन आगे बढ़ेंगे होने बाद डन बताओ बस आप ही का वेट है होने बाद डन बताओ जिनको समझ गए यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द मैट्रिक्स मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर सकते हो people done अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं मैट्रिक्स नाउ देखो मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन करते समय क्या ध्यान रखना है मुझे मुझे हाईएस्ट एलिमेंट चूज करना है तो मुझे बताइए हाईएस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर में

फिफ्टी कितना टेन सिक्स ट्वेंटी कितना कितना फोर्टी वन सिक्सटी माइनस ट्वेंटी कितना फॉर्टी सिक्सटी माइनस एटीन कितना आएगा फोर्टी टू सिक्स माइनस ट्वेंटी फाइव कितना थर्टी फाइव लास्ट सिक्सटी माइनस फिफ्टी एट कितना टू माइनस सिक्सटी कितना जीरो सिक्सटी माइनस फिफ्टी नाइन कितना वन सिक्स फिफ्टी फाइव कितना कितना आएगा सेवन नया मैट्रिक्स आपके सामने चेक कर लो आस्किंग सर इफ क्वेश्चन नॉट मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन देन क्या करें क्वेश्चन में आपको ढूंढना है मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन अगर आप रन की बात तो ये मैक्सिमाइज हुआ ना आप रन के साथ क्या करना चाहोगे मैक्सिमाइज समय के साथ क्या करना चाहोगे मिनिमाइज कॉस्ट के साथ क्या करना चाहोगे मिनिमाइज प्रॉफिट के साथ क्या करोगे मैक्सिमाइज सेल्स के साथ क्या करोगे मैक्सिमाइज तो आपको ये अंदाजा वहां लगाना है क्वेश्चन में हंड्रेड परसेंट हेंट आपको दिया जाएगा एक बार चेक करिए आपका मैट्रिक्स ऐसा ही बना है क्या अगर आपका मैट्रिक्स ऐसा बना हुआ है तो भी हम आगे बढ़ेंगे और हम रो ऑपरेशन करेंगे डन है, डन 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 जब बस तब बता दे दो फटाफट पहली केस में

तो जो सोया हुआ होता है वो रोया हुआ होता है तो सोया हुआ रोया हुआ ऐसा आप उसको कर सकते हो ठीक है सो so, अभी क्या करना है रो ऑपरेशन सर पहले रो ऑपरेशन ही करना है क्या जी पहले कॉलम ऑपरेशन नहीं करेंगे पहले रो ऑपरेशन ही करेंगे अब रो ऑपरेशन में क्या करेंगे आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट पकड़ना है पहले रो में ये पहला रो है स्मॉलेस्ट एलिमेंट टेन है हर एलिमेंट को टेन में से माइनस करिए हर एलिमेंट को सो एंड सेम एमेंट कोड रो सेम विथ फोर्थ रो आइए तो नया मैट्रिक्स बनेगा क्या हाँ नया मैट्रिक्स बनेगा पहला ट्वेंटी माइनस टेन टन ट्वेंटी माइनस टेन टन ट्वेंटी में छोटा कौन सा है एटीन हैर्टी थ्री माइनस एटीन कम्स टू फिफ्टीन है शायद राइट फिर तो उसके बाद तीसरा जीरो है तो एज इट इज रहेगा टेन माइनस जीरो टेन ट्वेल्ल माइनस जीरो ट्वेल्व ट्वेंटी माइनस जीरो ट्वेंटी जीरो माइनस जीरो जीरो टेन माइनस जीरो टेन ठीक है गलती से टेन माइनस जीरो मत लिख देना उसके बाद नेक्स्ट केस में देखना 35 है क्या तो फोर्टी माइनस यहाँ पे पे सेवन एंड यहाँ पे जीरो जीरो है? है सो सेम आ जाएगा टू जीरो पे देखो इसका टाइटल क्या आने वाला है इसका टाइटल आने वाला है रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स ऐसा आपने लिखना होगा ठीक है उसके नीचे मैट्रिक्स आएगा यहां पे क्या आ जाएगा रो ऑपरेशन मैट्रिक्स ऐसा टाइटल आएगा टाइटल लिखने बाद आपने मैट्रिक्स ड्रॉ करना है अब इसके 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 बाद 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 क्या करेंगे आप इसके बाद बहुत सिंपल सा काम है है आपको करना कॉलम ऑपरेशन मैट्रिक्स कॉलम ऑपरेशन मैट्रिक्स ठीक है क्या करोगे कॉलम सेलेक्ट करोगे पहले कॉलम में छोटा एलिमेंट जीरो सेकंड कॉलम में छोटा एलिमेंट जीरो थर्ड में वन फोर्थ में जीरो फिफ्थ में जीरो तो आपका एक ही कॉलम चेंज होगा बाकी सब कॉलम आपके सेम रहने वाले हैं, ठीक है आइए तो दिस तो सेम ट्वेंटी जीरो सेवन एंड फाइव यहाँ जीरो चेक करिए आपका रो और कॉलम दोनों बराबर बैठा है क्या ठीक है सर रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स क्यों लिखना है अरे मिनिमाइजेशन जब तक करोगे ही नहीं तो बिन, बिना मिनिमाइजेशन के आप रो और कॉलम मैट्रिक्स पे जाओगे कैसा ना तो आपको रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स पहले बनाना पड़ेगा उसको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा फिर रो ऑपरेशन होगा फिर कॉलम ऑपरेशन होगा तीनों आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं चेक कर लो उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ होने बाद डन बताइएगा चैट बॉक्स में डन है आगे बढ़ो चेक करो प्रोसेस में अभी क्या करना है आगे रजा खान जी आपका डाउट क्लियर है ना पक्का यस चलिए ठीक है अब क्या करेंगे अब मुझे चेक करना है कि मैट्रिक्स ऑप्टिमल है या ऑप्टिमल नहीं है लेट अस चेक सो हाउ डू आई चेक विदर द मैट्रिक्स ऑप्टीमल और नो

ये आप कैसे भी करिए आपके चार ही लाइन आने वाले पांच नहीं आ सकता है हो सकता है मेरे ड्रॉइंग ऑफ लाइन में और आपके ड्रॉइंग ऑफ लाइन में फर्क हो सकता है बट एंड ऑफ दी विल बी सेम इफ ऑफर इज सेम कैन आई से दी इज नॉट आपको लिखना पड़ेगा सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टीमल बिकॉज नंबर ऑफ लाइन्स इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है फाइव नंबर ऑफ लाइन्स कितना है फोर अब देखिए इसमें आपको ये समझना है ये देखो जहां पे ब्लू लाइन ड्रॉन है ना

तो अगर आप करोगे आप मेरे जैसे एग्जैक्टली exactly कर सकते हो या आपका इसके अलावा भी कैसे भी आएगा बट आपके चार ही लाइन आएंगे सर पांच से काम हो रहा है ना बट चार से भी काम हो रहा है ना सर चार ही कैसे करेक्ट है तीन से काम हो रहा है क्या नहीं ना अगर तीन से काम होता तो थ्री इज करेक्ट तो चार से काम हो रहा है तो फोर इज करेक्ट ठीक है गेटिंग दी पॉइंट यस और नो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या आप समृद्धि थर्ड टेबल मतलब जो तीसरा टेबल था वो तो कॉलम ऑपरेशन था ना हमने क्या किया कॉलम कि ऑपरेशन के लिए जो टेबल बन गया रो ऑपरेशन के बाद हमने क्या किया कि हर कॉलम में छोटा एलिमेंट सेलेक्ट किया देखो मैंने छोटा एलिमेंट मार्क किया है बस सब एलिमेंट को छोटे एलिमेंट से माइनस करिए आपको ये मिल जाएगा उसके बाद हमने जीरोस निकाल दिया नंदिता आस्किंग सर जीरो सेलेक्ट करते हैं तो कॉलम के हिसाब से क्यों किए नहीं नहीं नहीं, नहीं। कॉलम के हिसाब से नहीं किए सर देखो आपने जो क्या मुझे पसंद नहीं है मुझे क्या करना है देखो मैं बताता हूं सर मुझे ना एक लाइन ऐसी खींचनी है सीधी दूसरी लाइन ना सीधी खींचनी है तीसरी लाइन सीधी खींचनी है फोर्थ लाइन ऐसे खींचनी है और फिफ्थ लाइन ऐसे खींचनी है पांच रो में पांच लाइन ड्रॉ कर रहा हूं करेक्ट कर रहा हूँ क्या सर हाँ बिल्कुल बट आपने पांच ड्रॉ किए आपको ये भी चेक करना है कि और कोई रास्ता है क्या कि पांच से कम नंबर ऑफ लाइंस में मैं क्या कर सकता हूं लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं तो हाँ तरीका है तो फिर वो तरीका आपको यूज करना है ठीक है तो आप कैसे भी करिए कोई भी अप्रोच फॉलो करिए मिनिमम नंबर आपका मिनिमम नंबर सेवन लाइन आ रहा है फॉर आपको सोचना है कि सिक्स में हो सकता है क्या आपका मिनिमम नंबर आ रहा है आपको चेक करना है कि में हो सकता है है क्या आपका मिनिमम नंबर आ रहा है? आपको चेक करना है कि टू में हो सकता है क्या बस आपको कंटिन्यूअस वो चेक करते रहना है तो आप आकर के फोर पे एंड करिएगा फोर एंड हो गया तो आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है फाइव बट आपके लाइन्स कितने हैं चार तो आप क्या करेंगे ये ऑप्टीमल नहीं है इसको ऑप्टिमल बनाएंगे कैसे बनाएंगे जो कवर्ड एलिमेंट्स नहीं है अनकवर्ड है जो उनमें से शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट सिलेक्ट करेंगे फोर किया सभी अनकवर्ड में से उसको माइनस करेंगे कर दिया जहां इंटरसेक्शन है एक दो और वहां तीन वहां पे मैं उसको ऐड करूंगा ठीक है अब देखो वो कर दिया अपन ने अब आपको वापस से चेक करना है कितने जीरोज है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन नाउ स्टार्ट ड्रॉइंग दी लाइन अब आपको वापस से लाइन ड्रॉ करनी है सर एक काम करते ना अब तो लगभग हर रो कॉलम में दिख रहा है ऐसे पांच कॉलम या ना कैसे भी करो नोट वन टू काम करता हूँ पांच कर दो या ऐसे पांच लाइन ड्रॉ कर दो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है so लाइंस कितने आपके लाइंस पांच है आपके ये कितने हैं ऑर्डर कितना है पांच है सो कैन आई सर दिस इज ऑप्टिमल therefore optimal ठीक है ये दोनों भी चीजें जो है ना इतना चेक करियो होगा इतना आपका अगर हो चुका है तो बस वी आर नियर टू द आंसर नाउ इतना किए हो क्या चेक करो तभी का इतना आ गया है तो बताना जिनको पता आगे क्या करना है प्लीज कंटिन्यू सर इसके बाद एक बार और रिपीट कर दीजिए अरे बेटा पूरा रिपीट करूंगा डोंट वरी हंड्रेड परसेंट चीजें मैं रिपीट करूंगा एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व करने वाला हूँ बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है फिलहाल अभी जो स्टेज आपका चला गया छोड़ दो जो स्टेज अभी चल रहा है उस पर ध्यान दो Yes. यहां तक देखिए चीजें मैच हो रही है क्या नहीं मैच हो रही है तो इसको लिखिए पहले इसमें हम आगे चीजें बढ़ाएंगे और फिर वापस से अपन समझेंगे क्या करना है तो डो नॉट वरी अबाउट इट बट एटलीस्ट अ लुक Is Is it done? Is it done? done? ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ा है इसके बाद कि मुझे कुछ जीरो सिलेक्ट करने हैं अच्छा आपको यहाँ पे नोट लिखना पड़ेगा कि इन दिस पर्टिकुलर केस दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल बिकॉज द नंबर ऑफ लाइंस कवरिंग जीरोस इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज फाइट ठीक है तो तो दिस सॉल्यूशन ऑप्टिमल एंड हम अभी आगे आगे बढ़ सकते हैं तो आगे बढ़ने के लिए करना क्या है मुझे यहाँ तो सेलेक्ट करने, सर, कुछ मतलब क्या? आपको करने हर रो हर कॉलम में एक ही जीरो होना चाहिए इसका मतलब क्या हो गया मैंने एक हिंट दी हुई आपको नोट के अंदर में, में आपने जो भी पर्टिकुलर आपका जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन होने वाला है

इसको मैंने कर लिया, अब इस पूरे रो में मैं उस कॉलम में कोई जीरो है क्या नहीं तो मैं वो और कोई तो जीरो है तो सवाल ही नहीं आता ठीक है अब देखो पहला वाला कॉलम देखिए पहले कॉलम में एक ही जीरो पे कर लिया सिलेक्ट उस कॉलम में या उस रो में दूसरा कोई जीरो है क्या नहीं तो टेंशन नहीं है

जीरो सेलेक्ट करना है उस रो में एक ही जीरो सेलेक्ट करना है तो ये तो चला गया अब यहां पे एक जीरो है और यहां पे एक जीरो है क्या ये अपने कॉलम में और अपने रो में एक ही है क्या ये अपने रो में और अपने कॉलम में एक ही है हाँ तो मैं ये भी सिलेक्ट करूंगा और मैं ये भी सिलेक्ट करूंगा ओके okay, मेरे पास जीरो ठीक है अब पांचों तो जीरो जो आपने सेलेक्ट किए ध्यान से वापस से चेक करना है क्या वो पांच अपने रो और अपने कॉलम में एक जीरो जिनको हमने सेलेक्ट किया है कहीं गलती से मैंने एक रो या एक कॉलम में दो या दो से ज्यादा जीरो तो सेलेक्ट नहीं कर दिया है ये आपने वापस से चेक करना है, है। आइए वापस से चेक करते हैं कॉलम वाइज जाएंगे पहले पहले कॉलम में एक ही जीरो है हाँ दूसरे कॉलम में एक ही जीरो है हाँ तीसरे कॉलम में दो थे एक ही लिया दूसरा कैंसिल कर दिया फोर्थ कॉलम में एक ही है फिफ्थ में पहला लिया दूसरा कैंसिल किया रो वाइज देखो पहले रो में एक ही है दूसरे में एक ही है तीसरे में एक ही है फोर्थ में दो थे एक ही लिया है फिफ्थ में दो थे एक ही लिया है

पे है 42. आर 4, ये आर है, आर पे, लिखिए में 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 ये है, है, है है, क्या क्या? डाल दीजिए कौन ट्वेंटी आ, आ रहा है क्या लिख दीजिए ट्वेंटी टी में कितना है टू आ रहा है टी में टू कितना है सिक्सटी लिख दीजिए सिक्सटी टोटल करिए जरा इसको फिफ्टी प्लस फोर्टी टू प्लस सिक्सटी प्लस ट्वेंटी प्लस सिक्सटी इज इट कमिंग टू टू थर्टी टू

कॉलम ऑपरेशन का मैट्रिक्स ऑप्टिमल ठीक है नहीं है तो ऑप्टिमल का no नोट तो कितने टेबल हो गया भी? देखो ये वन ये टू ये थ्री फोर ये और फिफ्थ बनने वाला आपका टेबल जिसको बोलेंगे ऑप्टिमल असाइनमेंट टेबल वैसे तो पांच चीजें बनेंगी वापस से फाइनल सेंटेंस आ जाएगा देर एवरेज नंबर ऑफ रन टू टू बी स्कोर पीपल मैक्सिमम रन आर टू थर्टी टू ठीक है तो एक्सपेक्टेड मैक्सिमम टोटल रन टू टू थर्टी टू इतना लिख दिया तो भी चल जाएगा ऐसे पांच चीजें पांच टेबल चार मैट्रिक्स दो रो कॉलम ऑपरेशन और एक ऑप्टिमलिटी का इंप्रूव एक रिलेटिव लॉस और एक टेबल फाइनल ऑप्टिमल असाइनमेंट का इतना सब आपने करना है इसके बाद आपको मिलेंगे तीन या पांच मार्क्स ठीक है ऐसा क्वेश्चन पांच मार्क के लिए आ सकता है तो ये जो लास्ट की खिचड़ी है ना इसको जूम कर रहा हूं एक बार देख लीजिए लिख दीजिए इसके बाद पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा इस बीच में आपके डाउट है सॉल्व करता है जिनको समझ गया डाउट नहीं है आगे बढ़िए जिनको डाउट है पूछना है पूछ लो जिनको डाउट नहीं है बट वापस से सुनना है है पूरा वापस से सुन लेना फिर आगे बढ़ना आर कंफर्टेबल मूव विद विद सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन इज यू ठीक चलो फटाफट से देखो दो मिनट का समय है कुछ लिखना है लिख लो नहीं समझा है तो भी लिख लो मैं वापस से रिपीट करता हूँ ठीक है नंदिता सिचुएशन बेटर है अभी यस समृद्धि पाटिल क्लियर है आंसर मैच कर लो अच्छे से ध्यान से चेक करो चीज़ें गड़बड़ मत करो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन

फेस टू फेस ऑनलाइन लाइव जीडीपीडी वाले जो मेरे रेगुलर बैच के बच्चे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन वगैरह मेरे साथ किया हुआ है कि आप रिकलेक्ट कर पा रहे थे चीजों को बताइएगा प्लीज चैट बॉक्स के अंदर में चलिए पूरा एक्सप्लेन करू एक बार प्राची लास्ट लाइन क्लियर है ना लास्ट क्लियर है है ना ठीक हाँ। चलिए ध्यान देना एकदम प्लीज 100 फोकस करेगा। जो आगे क्वेश्चन पे बढ़ गया वो भी ध्यान दो ठीक है नोट्स के साथ पूरा बताता ऑडियो से से तो रिकॉर्ड कर लो इस चीज का ठीक है चाहिए तो ऑडियो रिकॉर्ड कर लो इस चीज का राइट ध्यान देना असाइनमेंट क्वेश्चन के अंदर में हमने क्या क्या करना है असाइनमेंट क्वेश्चन के अंदर में सबसे पहली चीज मुझे चेक करनी कि आपका क्वेश्चन बैलेंस्ड या नहीं है

therefore we convert this given matrix in the question to a relative loss matrix for then a title relative loss matrix ek line chhod kar ke line chhod kar ke cheeze likhega kyos mat karna paise diye apne pure रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स लिख करके नया matrix फिर से बनेगा proper line वगैरह मार करके column heading row heading वगैरह सब देना है properly

तो उसके बाद क्या करोगे सर एक बार हमने रो वाला काम कर दिया फिर हम करेंगे कॉलम वाला काम एक लाइन छोड़ोगे लिखोगे कॉलम ऑपरेशन मैट्रिक्स फिर क्या करोगे हर कॉलम में जो भी छोटे में छोटा एलिमेंट है उसमें से सभी एलिमेंट्स को माइनस करेंगे अगर जीरो है तो कॉलम एज इट इज आ जाएगा रो में भी अगर जीरो तो कॉलम रो एज इट इज आ जाएंगे ठीक है ये हो होगा तीसरा मैट्रिक्स तीन मैट्रिक्स बनने बाद आपने चेक करना है ऑप्टिमालिटी यू हैव टू टेस्ट योर मैट्रिक्स योर आंसर विच यू हैव डन टिल नाउ फॉर ऑप्टिमालिटी ऑप्टिमालिटी मतलब क्या

ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है कि सर एक मेरा फ्रेंड है मेरी फ्रेंड है उसके जीरोज अलग तरीके से हाईलाइट हुए हैं, कवर हुए हैं, उसके लाइंस अलग आए हैं मेरे लाइंस अलग आए हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता नंबर जो है उसका नंबर भी एंड में दो पे अटकेगा आपका नंबर भी एंड में दो पे अटकेगा उसका नंबर भी चार पे अटकेगा आपका नंबर भी चार पे अटकेगा ठीक है तो कोई बड़ी बात नहीं है एक बार ये कर लिया अब जैसे इस केस में नहीं होता है आपका ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स कितना है मतलब नंबर ऑफ रोजन ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स इज योर फाइव बट आपके नंबर ऑफ लाइन कितना आपको अनकवर्ड एलिमेंट जिसके ऊपर आपने लाइन नहीं मारी है इसमें से छोटे में छोटा एलिमेंट सेलेक्ट करना है फोर सेलेक्ट कर लिया अनकवर्ड जितने भी है ये आठ एलिमेंट अनकवर्ड है इसमें से फोर को माइनस करिए हमने करके लिखा हुआ है जहां इंटरसेक्शन है दो लाइंस का कवर्ड एलिमेंट में जैसे कि फाइव सेवन टू इसमें फोर को ऐड करिए और बाकी जो चीजें हैं

ठीक है सर मैंने ना यहाँ पे ना जीरो जो आपने सेलेक्ट किया ना मैंने अलग जीरो दिक्कत नहीं है ना इज इक्वल टू टू थर्टी टू इसी के साथ आपके पांच मार्क पक्के सभी को समझा है पक्का कोई डाउट कोई चीज फटाफट से बताइए मैं आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहां तक क्लैरिटी है पूरी हंड्रेड परसेंट बटा यस yes? पक्का क्या ठीक है इट इज सेवन थर्टी फोर ऑलमोस्ट इन माई वॉच आपको मैं पांच मिनट का समय देता हूं आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे करोगा ना ट्राई आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे ठीक है तो आपको दिए हुए हैं चार जॉब्स जरा फोर जॉब्स गिवन एंड जरा फोर मशीन गिवन फॉर इट तो मेरे ख्याल से बैलेंस है ना क्वेश्चन तो फोर जॉब्स फोर मशीन आर गिवन फॉर इट यू नीड टू स्टार्ट सॉल्विंग आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं

चल गो फॉर इट स्टार्ट इट इज सेवन थर्टी फॉर इन माई वॉच सेवन फोर्टी मिनट दे रहा हूं आपको सात बज के चालीस मिनट पे, हम इसको डिस्कस करेंगे अरे नंदिता क्वेश्चन आपके पास पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है ना अगर स्क्रीन क्लियर नहीं है तो पीडीएफ से देखिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है क्वेश्चन सेम ही है सेम क्वेश्चन मेरे नोट्स में भी है सेम क्वेश्चन ये पीडीएफ फाइल जो आपको दी उसमें भी है सेम क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर पेज नंबर 75 पे भी है अरे नंदिता कोई दिक्कत नहीं है आपको आप एक काम करिए ना नंदिता मुझे व्हाट्सएप पे जस्ट हाई डालना मैं आपको फाइल भेजता हूँ या टेलीग्राम आप इंस्पायर Academy का चैनल सर्च करिए उस पर भी आपको मिल जाएगा या फिलहाल अभी ध्यान दो भी सामने बस कोशिश कर जो सॉल्व कर पा रहे हो देख के ठीक है क्या बात है प्रदीप इज डन सुपर अदर पीपल प्लीज ट्राई जिनका हो गया आप आगे बढ़ सकते हो नंदिता फाइल भेज दी है मैंने आपको लास्ट टू मिनट्स आई होप एटलीस्ट आपने स्टार्ट तो भी किया हुआ है People done last one minute. मैं स्लोली स्लोली स्टार्ट करता हूं फोर जॉब्स कैन बी प्रोसेस्ड ऑन फोर डिफरेंट मशीन विथ वन जॉब ऑन वन मशीन सीधी सी बात है रिजल्टिंग प्रॉफिट्स वेरी विथ असाइनमेंट्स दे आर गिवन बिलो हमें ऐसा ऑप्टिमम असाइनमेंट निकालना है से प्रॉफिट ज्यादा हो तो सिंस अभी देखो मैं नोट तो बिल्कुल नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे शॉर्टकट मारूंगा आपको जितना हो सके उतना तो लिखना है तो पहले तो आपको लिखना देयरफॉर वी नीड टू कन्वर्टेड इन टू रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स एंड नीड टू अप्लाई द टेक्निक एंड हियर इज योर रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है मेरे ख्याल से 42 दिख रहा है तो 42 -42, 0. 42 -35, 7. 42 minus 28, 14. 42 minus 21, 21. 42 minus 30, 12. 42 minus 25 is 15, 17. Sorry. 42 minus 20 is 22. 42 minus 15 is 27. नीचे का रो भी सेम है, so 12, 17, 22, 27, 42 minus 24 is 18, minus 20 is 22, 16 is 26 and 12 is 30. ये आपका relative loss matrix बन जाता है. अगर आपका रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स रेडी है तो आपको रो ऑपरेशन करना है रो में सबसे छोटा ये है उसके बाद यहां पे ये है यहां पे ये है और यहां पे ये है तो आपका रो मैट्रिक्स कैसे बन जाएगा जीरो माइनस जीरो फाइव आ जाएगा यहां टेन आ जाएगा यहां पे फिफ्टीन आ जाएगा ये तो सेम है दो रो सेम है ना फिर यहाँ पे जीरो यहां पे फोर यहाँ पे एट और यहां पे ट्वेल्व अब क्या करना है कॉलम कॉलम में पहले कॉलम में सबसे छोटा कोई भी जीरो उठा लो सेकेंड कॉलम में थर्ड कॉलम में एंड फोर्थ कॉलम में अकॉर्डिंगली आपका ये ऐसे यहां लिख देते हैं कॉलम ऑपरेशन मैट्रिक्स में क्या आने वाला है देखिएगा तो यहां पे आएगा जीरो 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 एंड जीरो यहां क्या आ जाएगा थ्री वन वन एंड जीरो यहाँ क्या आ जाएगा सिक्स टू टू एंड जीरो यहां क्या आ जाएगा नाइन थ्री थ्री एंड जीरो आउट नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ जीरोमल है नॉट ऑप्टीमल so है, है मैं तो क्या बोलता हूं देखिएगा इस केस में तो ना ये ऑप्टीमल है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए ये एक लाइन यहां आ गई एक लाइन यहां आ गई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है फोर आपके लाइन कितने आ रहे हैं दो तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दो यहाँ पे कितने दो खत्म मतलब भाई नहीं ना ऑप्टिबल ही नहीं है अनकवर्ड में से छोटे में छोटा सेलेक्ट करिएगा अनकवर्ड में से छोटे में छोटा अनकवर्ड में से छोटे में छोटा क्या है वन है अनकवर्ड में से माइनस और यहाँ इस पे प्लस चलिए ऑप्टिमल मैट्रिक्स कैसे करेंगे 0 0 0 1 0 0 0 3 1 2 1 1 0 1 1 0 6 1 5 फिर टू माइनस वन 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 माइनस वन वन नाइन में से एट थ्री में से टू एंड टू अब जितने जीरो से हम लाइन ड्रॉ करेंगे पहले यहां तक देख लीजिए यहां तक हो च, हो चुका है क्या सर मैंने इसमें ही पूछा था जो आपने रो में सिलेक्ट किया हाँ तो हर रो में से एक छोटे में छोटा एलिमेंट फिर हर कॉलम में से छोटे में छोटा एलिमेंट तो पहले रो ऑपरेशन फिर कॉलम ऑपरेशन ठीक है वो कैसे भी कर सकते कोई भी छोटा एलिमेंट सिलेक्ट करिए हर रो में से एक और हर कॉलम में से एक ठीक है क्लियर है ना यस yes? चलिए यहां तक चेक करिए मैच हुआ है क्या इसके बाद आगे बढ़ेंगे फाइनल आंसर आ, प्रफुल का आया नाइनटी नाइन मेरे ख्याल से करेक्ट है Is it clear people?

यहां वन ऐड होगा यहां वन ऐड होगा यहां से वन माइनस होगा ठीक है आइए दिस विल रिमेन एज इट इज यहां वन प्लस वन टू हो जाएगा ये वन हो जाएगा ये जीरो जीरो रहेगा दिस विल बी फोर जीरो जीरो दिस विल बी सेवन दिस विल बी वन दिस विल बी वन नाउ इट आउट अब वन टू थ्री एंड फोर ऑप्टिमल है जी हाँ देयरफॉर ऑप्टिमल। अरे ये क्या हो गया

7110 पहले समझ लेना मैं क्या कर रहा हूं बाद में आप अपने एंड पे देखिएगा ठीक है पहले समझ लेना दोनों दो मैट्रिक्स ड्रॉ किए मैंने दोनों ऑप्टिमल ही है ठीक है नाउ यहां पे मैं अगर ये जीरो को सिलेक्ट करता हूं कौन से जीरो को सिलेक्ट करता हूं सपोज इस जीरो को तो ये मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता हूं अब जो सेकंड और थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम है तीनों कॉलम में दो दो जीरोस हैं दोनों में से एक ही जीरो सेलेक्ट करना पड़ेगा तो ऐसा कौन सा रो या कॉलम है जहां पे एक ही जीरो है ये वाला है इसको कर दो तो मतलब ये और ये सिलेक्ट नहीं हो सकते अब क्या करेंगे ये सिलेक्ट कर दिया तो ये नहीं होगा ये नहीं होगा और ये हो जाएगा तो ये नहीं हो सकता अरे मैं उल्टे पे आ गया क्या अरे रुको 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 सॉरी 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 अरे 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 हाँ चलो तो ये कर दूंगा तो ये और ये हो नहीं सकते सपोज ये कर दिया तो ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता फिर ये हो जाएगा तो ऐसे मैंने चार जीरोस कर दिए आप बोलेंगे सर गलत बात है मैंने ये कर दिया सर तो ये नहीं हो सकता ठीक है ये भी मुझे करना पड़ा सर मजबूरी है तो ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता आपने यहां यह ये लेवाला लिया ना मैं यहां ये लेता हूं तो ठीक है ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता फिर ये हो जाएगा तो इधर दिस इज पॉसिबल और दैट इज पॉसिबल एग्जाम में अगर आप दोनों करते हो तो प्रॉपर मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा है बट अगर आप कोई एक भी करते हो तो भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आंसर तो दोनों का भी सेम आने वाला है सर पक्का क्या करके दिखते हैं ना आंसर दोनों के केस में सेम आएगा नहीं करके दिखते हैं तो आपको तसल्ली हो जाएंगे ठीक है आइए लेट अस डू इट लेट अस डू इट अरे 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 लेट अस डू इट चलिए सो मैं टेबल बना रहा हूं अब टेबल के अंदर पहले इसकी टेबल बनाते हैं और फिर इसकी टेबल बनाते हैं ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है मुझे बताइए मशीन वन जॉब ए मशीन टू जॉब बी मशीन थ्री जॉब सी मशीन फोर जॉब डी ओरिजिनल क्वेश्चन में जाइए और चेक करिए और यहां पे भी मैं क्या करता हूं मशीन वन जॉब ए मशीन टू जॉब सी मशीन थ्री जॉब बी एंड मशीन फोर जॉब डी ओरिजिनल क्वेश्चन में वन का ए कितना दिया हुआ है वन का ए फोर्टी टू दिया हुआ है टू का बी और टू का सी कितना है ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी यहां ट्वेंटी फाइव है और यहां ट्वेंटी है थ्री का सी और बी थ्री का सी ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव फोर का डी दोनों का सेम है फोर का डी ट्वेल्व so इसका टोटल और इसका टोटल इसका टोटल भी नाइनटी नाइन टोटल भी नाइन्टी नाइन रुपीज आएगा आपका आंसर हो रहा है मैच ये पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके सामने है एक बार देख लीजिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जिनका यहां तक तो हो गया है समझने आया है कोई भी डाउट नहीं है चैट बॉक्स में बताइए थम्सअप ठीक है थम्स अप, Thumbs up कैसे देता है बताता हूँ रुको वो वो भी मुझे बताना पड़ेगा अच्छा लग रहा है रुको हाँ देखो डाल दिया मैंने अप यहां तक पूरा क्लियर है पक्का हंड्रेड परसेंट थम्सअप डालिए अच्छा जिनको चेक करना है कुछ लिखना है लिख लो निपटा लो कोई डाउट है पूछ लो

राजीव शर्मा जी मैंने शेड्यूल डाला हुआ है टेलीग्राम पे आप चेक कर सकते हो हम एक दिन की डिले से चल रहे हैं आगे उस शेड्यूल के हिसाब से तो कल का उसमें जो चैप्टर है मेरे ख्याल से कल हम करेंगे मेंटेनेंस प्रोडक्टिबिलिटी और फोरकास्टिंग कैपेसिटी ऑफ टाइम परमिट्स पूरा निपट जाएगा कल वो चलिए क्लियर है अरे गणेश जी आपने कोई तो भी कमेंट किया था जिसको आपने डिलीट भी किया था बाद में तो वो शॉर्ट हो गया है या नहीं हुआ है कोई डाउट बेटा आ तक एनी वन एनी स्टूडेंट एनी डाउट अल नाउ बाकी लोग लेट इवनिंग कॉन्वर्जेशन में बिजी हो चैटिंग क्लियर करते करते, है तो अगर आपको चाहिए तो हम ब्रेक नहीं ले पाएंगे तो क्या करना है इट इज ऑलमोस्ट से तो ब्रेक ले लो आठ बजे कंटिन्यू करता है लेक्चर चालू रखूंगा यहीं पर ब्रेक है आप में से किसी को ब्रेक नहीं चाहिए और पांच मिनट में कुछ रिवाइज करना है इसके पहले का पीछे लेकर के तो कर लीजिए ठीक है सर मेरा डाउट था कि सिमुलेशन में स्टडी मटेरियल ओपन कर रहे हैं आज आज ओपन कर रहे हैं डोंट वरी अरे को पायलट जी हाँ करने दो तो ना गणेश कर मुंबई पूरी गणेश की है तो सहन करना पड़ेगा ना ठीक है चल फाइव मिनट्स का ब्रेक एंड देन रिज्यूम लिंक चालू है आपको कुछ देखना होगा इसके पहले देख लीजिए कोई डाउट होगा चार्टॉक्स में डाल के रखिए अरे रजा जी वो करेंगे सॉल्व करेंगे आज अगर टाइम मिल गया आज ही कर लेंगे डोंट वरी पक्का करेंगे सॉल्व अरे श्रीरामपुर क्या हो गया आ, प्राची अग्रवाल जी आपका जो डाउट है ना वो मुझे भेज दीजिए ना व्हाट्सएप पे ठीक है येस yes, गणेश मुंबईला आल्यावर कॉल करतो चलो लेट्स रिझ्यूम Yes people, are we back? Let's start. चलो आगे क्या सभी वापस स्टार्ट किया जाए चलो लेट्स स्टार्ट हमने अभी जो देख लिया है वो है असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन जो है ट्रांसपोर्टेशन इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ असाइनमेंट ओनली बस यहाँ पे थोड़ा सा नेचर चेंज हो जाता है एज इन दैट आप बेसिकली

हो सकता है आपको कुछ भी ना समझना डोंट वरी हम प्रैक्टिकल करेंगे फिर थियोरी आपको आ जाएगी, easily, यहां से स्टार्ट हो जाता है ट्रांसपोर्ट चलो प्लीज पे हंड्रेड परसेंट अटेंशन समझना चीज को इसका ऑडियो अगर रिकॉर्ड मत करना इसका एक वीडियो मैंने डाल दिया हुआ है ऑलरेडी यूट्यूब पे आप उसको चेक कर सकते हो वो आपको

हो तो मुझे कैसे समझेगा सर असाइनमेंट में तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ भी सेम लॉजिक क्या नहीं बिल्कुल नहीं यहाँ सेम लॉजिक नहीं है यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है चीज यहाँ पे टोटल डिमांड टोटल सप्लाई आपको मैच करना है अगर टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई मैच है मतलब आपका क्वेश्चन है आप उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक लगा सकते हैं अगर आपका टोटल क्वेश्चन मैच नहीं है यानी कि आपका सप्लाई डिमांड मैच नहीं है तो क्वेश्चन आपका अनबैलेंस्ड है फिर आपको डमी डमी रो या कॉलम इंट्रोड्यूस करना है विद कॉस्ट जीरो एंड अकॉर्डिंगली आपको सप्लाई डिमांड उसमें डालना है और आगे बढ़ना है ठीक है उसके बाद एक बार ये दोनों चीजें सुलट गई दर थ्री मेथड्स

अब मेथड में क्या करेंगे वो हम देखेंगे VAM करने से पहले उसके पहले अलोकेशन का जो पार्ट होता है इसमें मेन चीज करना अलोकेट क्या यूनिट कैसे बताता हूं आइए क्वेश्चन पर पहले अलोकेशन करते हैं फिर वापस से आएंगे इसके ऊपर आई थिंक मैंने तीन क्वेश्चन दिए हुए आपको करेंगे सॉल्व चलिए फाइंड इनिशियल सोल्यूशन इनिशियल सोल्यूशन

जोश यस और नो इज इट हाई रिप्लाई करो फटाफट फड़ से हाई उसके बाद में बढ़ूंगा इसमें सच में जोश हाई की जरूरत है जल्दी हाँ। जल्दी 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 बताओ जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे देखो उसको पूछ रहा हूं मैं जोश हाई है या नहीं है तो यस डाल रहा है वो इज हाई चलिए जल्दी हाई करे स्टार्ट कई बार ना लोग अलग तरीके के हाई जोश में होते हैं फिर वो ना हाई की जगह हाई सब डालते हैं बराबर ना अनुराधा हाँ चलिए सो so, ध्यान देना सामने पूरा फोकस 100 परसेंट स्क्रीन के ऊपर इफ यू वांट यू कैन मी इफ यू यू वांट कैन जस्ट पे अटेंशन अंडरस्टैंड एंड देन आई बी गिविंग यू टाइम टू नोट इट डाउन जो स्टूडेंट्स मेरे साथ अभी रिसेंट बैच में थे जिन्होंने अभी भी पढ़ा हुआ है हमने ये एकदम एंड में किया है तो आपको तो मेरे से आगे बढ़ना है ठीक है बिकॉज आपको समझ चुकी है चीज बराबर का श्रीरामपुर हाँ चलो चलिए अब करना क्या है देखो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल आपको डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डीज फॉर चार दिए हुए हैं थ्री जो सप्लाई का यूनिट है फैक्ट्री है तीन दिए हुए हैं बैलेंस है अनबैलेंस है अनबैलेंस है ना सर चार कॉलम है तीन रो है नहीं वो तो असाइनमेंट में चेक करते हैं टोटल डिमांड टोटल सप्लाई डिमांड थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस टू एट प्लस टू टेन डिमांड है टेन फाइव प्लस टू सेवन सेवन एंड थ्री टेन सप्लाई है क्वेश्चन क्वेश्चन बैलेंस है क्या? जी हाँ, ठीक है हाँ, ठीक है? सो so, सप्लाई भी दस है और डिमांड भी दस है आपको ये जो दिया हुआ ना थ्री सेवन सिक्स फोर ये क्या है दिस इज नथिंग बट कॉस्ट खर्चा

सेल्स ऑफिस में कितने यूनिट की जरूरत है ठीक है मैंने इतना ही समझाया है रजा जी एंड नंदिता जैन ठीक है इतना ही समझाया मैंने ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूं ध्यान देना कुछ ज्यादा हमने देखा नहीं है जो अभी आपने सुना होगा उतना ही हमने देखा हुआ है जल्दी से ध्यान दीजिए आपके पास चार डेस्टिनेशन दिए हुए चार सेल्स ऑफिस दिए हुए जहां पे आपने मटेरियल को शिफ्ट करना है ठीक है ध्यान देना मैं रिपीट नहीं करूंगा बार बार यू हैव का ऑफिस जहां पे यूनिट्स की डिमांड है यू हैव डी टू का डिमांड है डी थ्री का ऑफिस जहां पे दो यूनिट की डिमांड है डी फोर का दो यूनिट की डिमांड है आपके पास एस वन का फैक्ट्री है जहां पे पांच यूनिट अवेलेबल है बन के एस टू का फैक्ट्री जहां पे दो यूनिट है अवेलेबल बन के एस थ्री का फैक्ट्री है जहां पे तीन यूनिट है अवेलेबल बन के पॉइंट यस और नो तो इतने यूनिट्स अवेलेबल है ऑलरेडी बन करके रेडी है ये यूनिट्स अवेलेबल है नाउ ये जो है थ्री टू फोर एस वन से लेके डी वन तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए कॉस्ट पर यूनिट कितना लगेगा एक यूनिट को दो रुपए का खर्चा लगेगा एस टू से डी वन पर जाने के लिए कॉस्ट पर यूनिट कितना लगेगा टू. मतलब सर ये जो टेबल के अंदर दिया हुआ यूनिटेगा हाँ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है यूनिट्स कितने चाहिए नीचे दिया हुआ है कितने यूनिट्स अवेलेबल है कितने अवेलेबल है समझ गया क्वेश्चन समझ लिया कैसे पढ़ना है क्वेश्चन को अब स्टेप नंबर वन वी आर सॉल्विंग विद नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल ठीक है? आपको प्रॉपरली चीजें लिखनी है टेबल वगैरह ड्रॉ करके मैं थोड़ा सा यहां पे आप बोल सकते हो डायरेक्टली कर रहा हूं चीके? ध्यान देना सिर्फ समझने पे ध्यान दो, ठीक है? चलो नाउ, आपके पास क्या दिया हुआ है आपके पास दिया हुआ है थ्री टू फोर सेवन फोर थ्री सिक्स थ्री एट फोर टू फाइव यहां डिमांड है थ्री थ्री टू टू और यहां पे सप्लाई है फाइव टू एंड थ्री टोटल है टेन बैलेंस्ड so है आपको जब टेबल बनाना है ये जो आप टेबल बनाओगे ना आपने जगह छोड़ना है असाइनमेंट में आप जगह नहीं भी छोड़ते थे तो भी चलता था यहाँ आपने जगह छोड़नी है वाई बिकॉज हमें एक कॉन्सेप्ट अलोकेशन नाम का हमें वो अलॉकेशन करने है अलॉकेशन करने के लिए मुझे जगह चाहिए सर ये क्या बात करो नहीं समझ रहा सर रुको ये जो थ्री है ये कॉस्ट है कॉस्ट पर यूनिट ये फाइव यूनिट्स अवेलेबल है उस फैक्ट्री में बट D1 में मुझे चाहिए कितने तीन यूनिट चाहिए अब बस ध्यान देना समझे ना आपने अब ध्यान दो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर नॉर्थ मतलब ऊपर वेस्ट वेस्ट मतलब लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड पे पर, पे नॉर्थ टॉप अब ये देखिए यहां पे ये नॉर्थ मतलब इधर लेफ्ट मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट ये ये पहला सेल है क्या आपका जितने भी आपको यहां पे चीजें दी हुई है जितना भी कॉस्ट दिया हुआ है सबसे नॉर्थ वेस्ट कौन सा है कॉस्ट थ्री तो सबसे नॉर्थ वेस्ट करना है

राइट हैंड साइड पे लिखना वहां पे टेबल के अंदर ही बट राइट हैंड साइड पे ठीक yes. है ये थ्री लिख दिया अब थ्री की जगह जीरो हो गया मतलब क्या है जो डी वन है पहला सेल्स ऑफिस है उसकी डिमांड कितनी थी तीन तीन के तीन अलॉट कर दिए क्या आपने हाँ तो ये जो है ना पहला वाला इसको मुझे अभी करना है गायब स्ट्राइक ऑफ ये इस तरीके से मैं इसको स्ट्राइक ऑफ कर दूंगा स्ट्राइक ऑफ कर दिया मतलब उस कॉलम में अभी कुछ बचा ही नहीं है डेस्टिनेशन वन का कॉलम था उसमें कितने चाहिए थे तीन यूनिट चाहिए थे तीन यूनिट मैंने दे दिए कुछ बचा क्या कुछ भी नहीं बचा खत्म गेम ओवर डन गेम ओवर ठीक है नाउ नंबर अब जितनी भी चीजें बची हुई है जितनी भी चीजें ये जो भी बचा हुआ है ना अभी उसमें से सबसे नॉर्थ वेस्ट कौन सा है सेवन है क्या सबसे नॉर्थ वेस्ट सबसे टॉप और सबसे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट सेवन है ठीक है यहाँ अलॉकेट करेंगे आपकी डिमांड कितनी है डिमांड तीन यूनिट की तीन यूनिट की डिमांड है ना आपके पास यूनिट अवेलेबल तो तो पे. पे निपट चुका है फर्स्ट रो को आप स्ट्राइक ऑफ करेंगे कचरा नहीं करना है स्मूथली स्ट्राइक ऑफ करना है ताकि उसके पीछे जो दिखाई दिया है मतलब जो नंबर लिखे वो दिखाई दे ठीक है चलिए ठीक, ठीक है अब नॉर्थ वेस्ट कौन सा है फोर नॉर्थ वेस्ट है क्या

कितना अलोकेशन करना है टू करना है बट अवेलेबल कितना है एक तो एक को कर दीजिए इसको जीरो कर लीजिए यहाँ पे वन आ गया क्या स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा आपका आपका वापस से ये वाला रो स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा अब आपका नॉर्थ वेस्ट कौन सा है एट यहाँ पे अलोकेट करेंगे कितना करेंगे वन वन को जीरो यहाँ पे यहाँ पे टू बचेगा अब क्या हो जाएगा आपका ये वाला कॉलम निकल गया पूरा निपट गया अब नॉर्थ वेस्ट कौन सा है नॉर्थ वेस्ट ये है कितना अलॉट करोगे टू करोगे यहाँ पे टू जीरो हो जाएगा यहाँ पे टू जीरो हो जाएगा निपट गया क्या लास्ट वाला भी ये भी निपट गया चलो डन मतलब एंड ऑफ सभी डिमांड जीरो सप्लाई जीरो होने चाहिए। सभी रो, सभी कॉलम स्ट्राइक ऑफ हो जाएंगे आपके अलॉकेशन भी हो जाएंगे अब मैंने करना क्या है मैं कॉस्ट कैसे निकालूंगा ध्यान देना समझना पूरा आपको तीन रुपए लग रहे थे एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने के आपने कितने यूनिट ट्रांसपोर्ट की तीन यूनिट ट्रांसपोर्ट किया थ्री इंटू थ्री कितना आ गया आपको सात कॉस्ट लग रहा था, 7 रुपीस का था। कितने इंटू टू कितना चार रुपए से एक यूनिट ट्रांसपोर्ट किया फोर इन तीन रुपए से एक यूनिट किया ट्रांसपोर्ट किया एट इंटू वन एट फिर यहां पर देखना फाइव रुपीज से दो यूनिट ट्रांसपोर्ट किया फाइव इंटू टू टेन मुझे बताइए टोटल कितना आ रहा है नाइन प्लस फोर्टीन प्लस फोर प्लस थ्री प्लस एट प्लस टेन मतलब मेरा मिनिमम खर्चा जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड से कितना आता है फोर्टी एट आता है और ऐसा मेरा ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन का सोल्यूशन बनता है इसको हम बोलते ही जो हमने निकाला ना इसको हम बोलते हैं इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन बेसिक फिजिबल सोल्यूशन या इनिशियल सोल्यूशन Nodes के फॉर्म में आपने ज्यादा कुछ नहीं लिखना है आपने पहले लिखना है कि balanced, to supply, तो कोई दिक्कत नहीं, right? so, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो आपने एक ही मैट्रिक्स बनाना है उसमें प्रॉपरली वगैरह सब देने हैं अलोकेशन करना है अलोकेशन प्रॉपर जगह देके मतलब ये एक पेज पे पूरा आना चाहिए और फिर आपको दूसरा नीचे बनाना है इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन और टेबल बनाना है टेबल में आपने लिखना है

ये चीज हमने की हुई है क्लास में बोलो हाँ या ना जमा या नहीं जमा गोइंग गुड ना ठीक है पक्का है चल लिख लो फटाफट से हम आगे बढ़ रहे हैं टू मिनट्स फॉर यू एंड देन वी गो अहेड ज्यादा समय नहीं है जल्दी डन लिख लिया है आप लोगों ने done. देखो ना कुछ देर पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पढ़ी थी देखिए क्या मस्त बात लिखी हुई है बताऊं क्या पढ़ के वंस यू ब्रेक माई ट्रस्ट फिर बात तो होगी लेकिन वो बात नहीं होगी क्या समझना इसका मतलब क्या समझना इसका मतलब चलो तो ये तो बात करके ही समझने आएगा कि बात क्या होंगे किस तरीके से बात होंगी ठीक है हाँ चलो बात नहीं होगी बस को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लग रहा है ठीक हाँ। है डिमांड सप्लाई स्ट्राइक ऑफ किया और ये जो हमने कैलकुलेट किया दिस विल बी सेम इन ऑल दी थ्री मेथड अदर थिंग्स विल चेंज अलॉकेट कौन सेल पे करना है से कॉस्ट पे करना है वहां चीजें चेंज चीज़ होंगी बट एक बार अलोकेशन करना स्टार्ट करूंगा अलोकेशन का प्रोसीजर सेम बेसिक फिजिबल सोल्यूशन का प्रोसीजर सेम ठीक है आइए लीस्ट कॉस्ट मेथड पे जाते हैं आप में से काफी लोगों को हिंट आ चुकी होंगी जो बोले पहली बार भी कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट सिलेक्ट किया ना लीस्ट कॉस्ट में से लीस्ट कॉस्ट सिलेक्ट करना है आइए चलो पहले मैट्रिक्स ड्रॉ कर लो अच्छे से ड्रॉ करना प्रॉपर तरीके से मैट्रिक्स ड्रॉ कर लो पहले साथ में करना ठीक है ये ऐसा कुछ मैट्रिक्स आएगा आपका लीस्ट कॉस्ट मेथड से करेंगे ठीक है लीस्ट कॉस्ट मेथड से ये गणेश को इंजेक्शन देना पड़ेगा सब लोग कमेंट पढ़ लेते फिर वो डिलीट करता तो डिलीट करने का क्या मतलब रहा फिर चलिए ये बनाइए यहां तक हो गया कि अपन आगे बढ़ेंगे अलोकेशन करेंगे अभी सक्सेस वालों नाम बताओ पहले बाद में इंजेक्शन मिलेगा ओ सामान जी गणेश छोड़ो ध्यान दो गणेश काम नहीं आएगा ये काम आएगा जिंदगी के अंदर में चलिए जीवन में कुछ करना है लीस्ट कॉस्ट मेथड कैसे अलोकेट करेंगे सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सा है यहाँ पे सर दो दो टू दिख रहे यार सच दो टू है हाँ ये भी एक टू है और वो भी एक टू है कोई भी टू है। है कोई भी भी एक एक करिए करिए दोनों लोवेस्ट ना सपोज मैंने ये वाला चूज कर दिया कितना ऑलोकेशन हो जाएगा ये टू जीरो हो जाएगा और यहाँ पे एक बचेगा यहाँ मैंने टू ऑलोकेट कर दिया और टू अलोकेट करने के बाद ये वाला हो गया मेरा स्ट्राइक ऑफ ठीक है अब लोवेस्ट कौन सा है सर दो थ्री दिख रहा है सर कोई भी एक थ्री चूज कर लो क्या कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ये वाला चूज कर लीजिए क्योंकि एक ही बचा हुआ है एक डाल दीजिए वन हो जाएगा जीरो यहां पे बचेगा चार इसको कर लीजिए स्ट्राइक ऑफ अब लोवेस्ट क्या बचता है सर लोवेस्ट थ्री है वापस से ठीक है चलो थ्री सेलेक्ट करेंगे थ्री में कितना अलॉट करेंगे ये भी जीरो हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा थ्री अलॉट कर देंगे अब क्या जीरो हो जाएगा सर अब तो दोनों भी चले जाएंगे ठीक है? इसको भी निकाल दीजिए इसको भी निकाल दीजिए, अब, हाँ, अब, फोर, फोर अब क्या स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा बताओ मुझे ये हो गया क्या बचता क्या है टू टू यहाँ अलॉट हो जाएगा यहाँ टू अलॉट हो जाएगा ये जीरो और ये जीरो निकालेंगे थ्री इंटू वन इज इक्वल टू थ्री फिर दूसरा टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर फिर थ्री इंटू थ्री टू टोर इंटू टूटल्व प्लस एट इज इट कमिंग टू रूपीज थर्टी सिक्स चेक करिए पूरा आंसर आपके सामने कोई भी दिक्कत है बताइए मुझे पूछ लीजिए कोई भी दिक्कत है तो नहीं है तो आगे बढ़ेंगे से करेंगे अभी थ्योरी देखेंगे पहले? थ्योरी देखेंगे फिर यहाँ वापस आएंगे थ्योरी देखेंगे पहले फिर यहाँ पे तो वापस से आएंगे क्लियर है सभी को यहां तक एलसीएम मेथड देख लिया क्या ये दोनों तो मतलब बहुत डिफिकल्ट था। सबसे आसान मेथड तो अभी हम जाएंगे वी ए एम मेथड सबसे आसान मतलब मैं क्या ही बोलूं इस बारे में तो इतना आसान है ना वो मेथड ये जेपा फटाफट से येस डालते जाओ चैट बॉक्स में उसके बाद में आगे बढ़ूंगा नो यस नो आगे पीपल इज इट क्लियर आया है वी ए एम देखेंगे इसके बाद अरे वो तो मतलब इतना आसान है कि मैं क्या करूं बहुत आसान है वो लेट्स गो आना हरीश पांच मिनट में हो जाता है बहुत आसान है बहुत बहुत चलिए ये क्लियर है अब वी ए एम मेथड करता है पहले तो जो हमारे रीति रिवाज है टेबल बनाएंगे वापस से मैट्रिक्स बनाएंगे वापस से ठीक है थोड़ी सी जगह इस समय ज्यादा लग सकती है सो so अकॉर्डिंगली आप प्लान करिएगा ठीक है थोड़ी सी जगह ज्यादा लग सकती है ठीक है चलिए अच्छा इस समय पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप मैट्रिक्स अब बनाओगे तो मैट्रिक्स बनाते समय आपने जो मैट्रिक्स बनाया ना ये पूरे पेज पे बनाया होगा अब आधे पेज पे बनाइए हमें तीन चार कॉलम और तीन चार रोज और लग सकते हैं ठीक है चलिए ध्यान देना तो थ्री टू फोर सेवन फोर थ्री सिक्स थ्री एट फोर टू एंड फाइव फाइव टू थ्री ये हो गया टोटल टेन थ्री थ्री टू टू बस यहां तक करके रुक जाइए हम जाएंगे थ्योरी देखेंगे पहले वी ए एम का थ्योरी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे लिख लिया आ? सामान का हो चुका है सामान हाँ चलिए तो लेट्स गो टू थ्योरी पार्ट काम करता हूँ थ्योरी ना मैं अलग से ओपन करता हूँ सो तो दैट हम दोनों में सफल कर पाएंगे फिर खुल जा बाबा तो कौन हाँ लोड हो रहा है वो देखो कितना आसान है दो तो पीपल लेट्स गो। B -A -M method, मेरा least squares का अलग आ रहा है प्लीज एक बार क्लास के बाद देख लेना मैं आपको किया हुआ है किया हुआ है ठीक है ठीक है करेंगे डोंट वरी ठीक है ध्यान देना अभी आगे बढ़ते हैं ध्यान देना पूरा फोकस सामने फाइंड रो एंड कॉलम पेनल्टीज कॉन्सेप्ट पेनल्टी देखो अलोकेशन का प्रोसेस सेम है बट अलोकेशन किस पे करना है उसका तरीका चेंज है NWCR में क्या था नॉर्थ वेस्ट का सेल था एलसीएम में क्या था लीस्ट कॉस्ट वाला सेल था यू कैलकुलेट पेनल्टी मेंस्ट माइनस नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट मतलब क्या सर आइए हर रो और हर कॉलम में स्मोलेस्ट माइनस नेक्स्ट स्मॉलेस्ट करना है एक एक करके जाएंगे मैं यहां लिखता हूं से, P1. मतलब पेनल्टी वन. यहां लिखता हूं P1. नीचे की P1 जो है 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 ये ये हर हर के के लिए लिए आपका रो यहां से स्टार्ट होता है यहां तक पहले रो के लिए देखेंगे ये कुछ भी नहीं दिया है तो आपको वीएम करना है ठीक है पहला रो थ्री सेवन सिक्स फोर स्मॉलेस्ट माइनस नेक्स्ट कितना है थ्री नेक्स्ट कितना है फोर फोर माइनस वन फोर माइनस थ्री वन तो पेनल्टी कितनी आएंगी इस रो की वन टू है टू है पेनल्टी कितनी है अच्छा स्मॉलेस्ट माइनस नेक्स्ट स्मॉलेस्ट ना सर तो क्या करेंगे टू माइनस थ्री वन लेंगे टू माइनस टू जीरो लेंगे 2 -2, 0 लेंगे. 2 -2, 0 लेंगे ठीक है कर लिया आ गया 4, 3, 8, 5. तो एंड अब कॉलम देखिए पहला कॉलम थ्री टू फोर कितना आएगा वन आएगा टू एंड थ्री यहाँ थ्री और फोर वन आएगा यहाँ थ्री और सिक्स थ्री आएगा यहाँ टू और फोर टू आ जाएगा सभी कॉलम की पेनल्टी है सभी रो की पेनल्टी

ये थ्री लोवेस्ट है ये मैंने सेलेक्ट कर लिया बस अब क्या करना है वही सेम अलोकेशन जो हम करते आए हैं कितने है टू। चाहिए कितने टू डाल देंगे पूरा ये जीरो हो जाएगा ये भी जीरो हो अरे 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 हाँ, इसको हम नॉक ऑफ कर डन डस्टेड ठीक है नेक्स्ट उसके बाद वापस से पेनल्टी जी हाँ पेनल्टी राउंड टू पेनल्टी राउंड टू कितना बचेगा अभी वो तो नॉक ऑफ हो गया थ्री और फोर वन थ्री और सेवन फोर यहाँ तो नॉक ऑफ हो गया खत्म यहाँ पे फोर और फाइव वन यहाँ पे कितना हो जाएगा अभी फोर और थ्री वापस से वन ही है ये तो नॉक ऑफ हो गया यहाँ कितना आ जाएगा वन आ जाएगा ठीक है हाइएस्ट पेनल्टी कौन सा है फोर लोवेस्ट कॉस्ट कौन सा है थ्री अलॉट कितना करोगे ये जीरो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा यहाँ अलॉट कितना कर दोगे थ्री ठीक है अब क्या हो जाएगा डन एंड डस्टेड चलिए ये डन एंड डस्टेड वापस से पेनल्टी निकालेंगे क्या जी यहाँ तो पे पहले केस में कितना है थ्री है थ्री बच जाएगा यहाँ पे कितना बचेगा फोर है फोर बच जाएगा हाइएस्ट पेनल्टी का है यहाँ है कितना अलॉट करेंगे फाइव है टू है यहाँ टू अलॉट कर दोगे ये टू तो जीरो हो गया चला गया यहाँ थ्री बच जाएगा अब

जिनको नहीं समझा है लिखने की कोशिश करो अगले दो क्वेश्चन वीएम के ही है हम स्लोली वापस से पूरा डिटेल में जाएंगे ये तो आधा हुआ है और वीए एम करता है तो ये तीनों क्वेश्चन में तीन अलग मेथड से हमने क्या निकाला है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल बेसिक सोल्यूशन इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन या इनिशियल सोल्यूशन देख लीजिए आगे बढ़ते हैं जिनका हो गया है लिख करके डन बताना दो मिनट में आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे जाएंगे अगले क्वेश्चन को प्यार से प्रॉपर तरीके से वापस से सॉल्व करेंगे नंदिता uh, चीजें बेटर है समझने आ रही है चीजें काफी हद तक यस रेगुलर बैच वालों थिंग्स आर बेटर आर यू एबल टू रिकलेक्ट थिंग्स वॉट एवर वी हैव स्टडीड नंदिता कोई दिक्कत नहीं है चेक करते हैं वापस यस पीपल डन आपका जीडी स्टूडेंट हूं सर अरे यस बताया ना आपने चरा कल याद है मुझे क्लियर है यहाँ तक पक्का यस आधा टेबल दिया हुआ है आधा टेबल हमें बनाना है ठीक है क्वेश्चन पढ़ेंगे साथ में कॉस्ट कॉन्शियस कंपनी जिसको कॉस्ट की बहुत फिकर है वही सीएमए को हायर करेगा यही हमारा मेन जॉब है कॉस्ट कॉन्शियस कंपनी रिक्वायर्स द एक्शन फॉर नेक्स्ट मंथ एंड अगले महीने में क्वांटिटी कितनी चाहिए 300 260 180 टन ऑफ स्टोन चिप्स फॉर इट्स थ्री कंस्ट्रक्शंस c1 c2 c3 थ्री कंस्ट्रक्शंस दिए हुए इनका डिमांड दिया हुआ है 300 c1 का है 260 c2 का है 180 c3 का है

एम वन एम टू एम थ्री बैलेंसड है ना यार थ्री रोज थ्री कॉलम्स ना 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 वो असाइनमेंट में करते हैं यहाँ टोटल डिमांड टोटल सप्लाई से बैलेंस करना होता है ठीक है तो उसको करने के लिए ध्यान देना होगा अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको फाइव दिया हुआ है सेवन दिया हुआ है इट इज सेवन फोर एंड फाइव इट इज सिक्स इट इज नाइन एंड इट इज फाइव चेक करना यहाँ पे जो डिमांड है C1 का 300 था uh, C2 का 260 सिक्सटी था देखो यहाँ दिया हुआ है C1, C2, C3

नंदिता क्लियर है क्या आपको समझ रहे हो क्या तो डमी कॉलम क्यों लगेगा अभी आपको आइडिया आ गई होंगी आइए डमी कॉलम ड्रॉ करते हैं सो तो आपके पास डमी कॉलम आने वाला है सो तो आपके पास हो जाएगा सी वन आपके पास हो जाएगा सी टू सी थ्री और सी डमी और फिर यहां पे आपके पास होने वाला है सप्लाई यहां होने वाला है एम वन एम टू एम थ्री और यहां पे होने वाला है डिमांड ठीक है अब मुझे यहाँ पे डेटा फिल इन करना है डिमांड कितना आ जाएगा यहाँ पे 300 है, 260 है 180 है और यहां पे 110 आ जाएगा 740 और 850 था ये हो जाएगा 850 टोटल यहाँ चेक करिए इज इट 250, इज इट 320 एंड इज इट 280 तो ये हो गया मैच अब अंदर का डेटा फिल इन करते हैं दिस इज एट दिस इज फाइव दिस इज सेवन दिस इज सेवन दिस इज फोर दिस इज फाइव सिक्स है नाइन है फाइव है और डमी में हमेशा कॉस्ट जीरो होता है ये अभी रेडी है काम करने के लिए चेक करिए यहां तक हो चुका है क्या हुआ है तो आगे जाके मतलब है यहां तक डन है येस बताना जरा चैट बॉक्स में अभी वी एम मेथड का क्लासिफिकेशन काम धंधा भी चालू

Second में देखना अभी जीरो है और फोर है तो पेनल्टी फोर थर्ड में देखना जीरो पेनल्टीज थर्ड कॉलम में फाइव तो और सिक्स पेनल्टीज कॉलम में जीरो जीरो पेनल्टीजीज आगे पेनल्टीज आ गए सभी क्या आंसर दे रहा है राघव टू एटी अरे 280 नहीं. नहीं 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 गलत है टू एटी हाँ अच्छा हाँ टू एटी सप्लाई मैंने नहीं, नहीं समझा मैं क्या बोल रहे हो आप आई डेंट गेट यू अच्छा हाँ अरे अरे टू एटी क्या तुम लोग बिना चलिए टू एटी था वहां पे हाँ ठीक है क्लियर है जेपा है यहां तक अब हाईएस्ट पेनल्टी सेलेक्ट करना है क्या करना है हाईएस्ट पेनल्टी अरे वहां थोड़ा सामान कम हो गया था हमने सामान डाल दिया टू एटी कर दिया हाईएस्ट पेनल्टी कौन सा है सिक्स है इसको यहाँ पे एरो डाल दीजिए हाईएस्ट

कितना अलॉट कर सकते हैं तीन की डिमांड है सप्लाई भले ज्यादा है आप क्या करोगे तीन अलॉट कर दोगे ये तीन सौ अलॉट कर दिया इसको जीरो कर दिया और यहां मेरे पास बीस बच गए हैं क्या चला जाएगा पहला कॉलम गॉन ठीक है यहां तक जिसको जो डाउट है मुझे पूछ लो मैं इसके बाद थोड़ी सी स्पीड लेने वाला हूं यहां तक जो डाउट है पूछ लो जिनको समझा आगे बढ़ो हाँ नंदिता कौन सा डाउट है बताइए एग्जैक्ट डाउट पूछिए

प्रफुल क्लियर है यहां तक सभी को पक्का यस हाँ अब क्या करना है आगे बढ़ेंगे पेनल्टी थ्री ठीक है पेनल्टी थ्री हाँ चलो पेनल्टी थ्री अब आप खुद कर सकते हो आगे आगे बढ़ाइए स्पीड बढ़ाइए चलो पेनल्टी थ्री पहले केस में क्या है वन आ जाएगा दूसरे केस में क्या है फाइव आ जाएगा तीसरे केस में जीरो यहां तो पेनल्टी नहीं आएगा यहां वन आएगा यहां वन आएगा यहां जीरो आएगा ठीक है हाईएस्ट क्या है हाईएस्ट फाइव है फाइव में लोवस्ट कॉस्ट कितना है फोर फोर पे अलोकेशन हो जाएगा टू सिक्स ट्वेंटी हो जाएगा जीरो ट्वेंटी से नया पेनल्टी मैं फास्ट जा रहा हूं अभी ध्यान दो नेक्स्ट पेनल्टी पेनल्टी नंबर फोर ये पेनल्टी फोर चलिए पहले कितना आएगा यहाँ पे वन यहाँ कितना आ जाएगा अभी यहाँ तो penalty नहीं पेनल्टी नहीं आएगा यहाँ कितना जीरो यहाँ पेनल्टी नहीं यहाँ कितना टू यहां कितना वन जीरो टू हाइएस्ट है लोवेस्ट कॉस्ट कितना करोगे टू फोर्टी टू फोर्टी हो जाएगा जीरो बचेगा फोर्टी यहाँ पे समझ रहे हो क्या बात को राइट right? अब देखिए यहाँ पे वन फोर्टी बाकी है यहाँ फोर्टी बाकी है फोर्टी वन फोर्टी वन एटी यहाँ भी वन एटी बाकी है तो इसको 140 डाल दीजिए इसको 40 डाल दीजिए C2 तो ऑलरेडी निपट चुका है ठीक है तो C2 तो निपट चुका है अब देखो मुझे वापस से पेनल्टी कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या नहीं यहाँ तो पेनल्टी आएंगी नहीं मतलब आएंगे भी तो सिक्स पे आएंगे तो सिक्स तो तो एक ही है तो आप अलॉट करिए आप अलॉट नहीं करिए डायरेक्टली आप मतलब पेनल्टी करिए नहीं करिए डायरेक्टली आप अलॉट कर सकते हो तो 140 कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे 40 कर दिया तो ये पहले वन फोर्टी के बाद फोर्टी हो जाएगा फिर जीरो हो ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा आपके अलोकेशन रेडी है सर कैलकुलेट कर लो क्या बिल्कुल कर लो कैलकुलेट बट दैट विल नॉट बी द राइट आंसर आइए मैं कैलकुलेट भी कर रहा हूँ साइड में आप भी कर सकते हो कितना आ जाएगा ये देखिए ये एक है ये दो है ये तीन है ये चार है ये पांच है और ये छ है तो फाइव इंटू थ्री हंड्रेड प्लस फोर इंटू ट्वेंटी प्लस सिक्स इंटू वन फोर्टी प्लस फाइव इंटू टू फोर्टी प्लस फाइव इंटू फोर्टी प्लस जीरो इंटू वन वन जीरो टोटल करिए बताइए कितना आता है थ्री एट टू जीरो रुपीज वगैरह लिखना भूलना मत चेक करो यहां तक आ चुका है क्या आ चुका है तो मुझे सिर्फ बताना यस चैट बॉक्स के अंदर में इसके बाद कुछ चीजें करनी है यहाँ तक क्लियर है क्या

Uh, समझना ध्यान से ये थ्री एट टू जीरो फाइनल आंसर है नहीं, कैसे समझेंगा? उसको समझने के लिए दो टेस्ट करने है. पहला टेस्ट सा है? टेस्ट. नहीं, 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 नहीं टेस्ट. तो वो पहले करेंगे टेस्ट करने के बाद, अगर ये टेस्ट में आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपको और एक टेस्ट करना है वो टेस्ट करने के लिए आपको कुछ कैलकुलेशंस करने हैं आसान है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये देखिए ऐसे कुछ कैलकुलेशंस करने हैं ठीक है समझना एक एक करके समझेंगे आगे जाएंगे तो नॉन डिजनरेसी टेस्ट क्या है नॉन डिजनरेसी टेस्ट बोलता है m plus n minus 1 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशंस आपने एलोकेशंस किए ना यहाँ पे ये देखिए एलोकेशंस किए कितने किए आपने 1 2 3 4 5 6 सिक्स एलोकेशंस किए आपने अब आपको ये समझना है दैट m plus n minus 1 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशंस मतलब क्या m इज नंबर ऑफ कॉलम्स n इज नंबर ऑफ रोस तो कॉलम्स एंड रोस इनको ऐड कर दोगे

क्लियर है, यस yes. प्राची अग्रवाल शुभम पाटिल यार अभी तो रिपीट किया मैंने समझे क्या सभी लोग अरे डमी को कैलकुलेट करना है हर चीज देखो डमी के आपने अलोकेशन किया ना तो आप अलोकेशन को गिनोगे ना छह अलोकेशन में तो डमी का वैल्यू हमेशा जीरो रहता है इसके लिए तो हम डमी को काउंट करते ना काउंट करो मत करो वैल्यू तो जीरो ही रहने है ना तो काउंट नहीं करोगे तो हर जगह तो जीरो रोज एंड कॉलम्स के लिए क्या करना है डमी को भी गिनना है तो डमी के साथ कितने हो जाएंगे स्टार कॉलम्स और तीन रोज सात सेवन माइनस वन सिक्स अलोकेशन कितने सॉल्यूशन नॉन डीजन क्या हम आगे बढ़ सकते हैं

अगर आपके पास जगह नहीं है आप वापस से इसको ड्रॉ करिए कोई दिक्कत नहीं है हम जब कुछ कैलकुलेशन करेंगे वो कैलकुलेशन ऐसे है कि आपको यू और वी के वैल्यू निकालने हैं। सर का होता है बता दो। आपको यू और वी के वैल्यू निकालने हैं। ये रो है ना आपका रो के नंबर को हम बोलते हैं यू वन यू टू यू थ्री कॉलम को हम बोलते हैं वी वन वी टू वी थ्री और ये हो गया वी फोर तो चार रो है तो चार कॉलम है और तीन रो है आपके ध्यान से मतलब समझना जो मैं बोल रहा हूं अभी पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूं आप रीड करने की कोशिश करो ये लेफ्ट वाला जो पार्ट है ना और राइट वाला जो पार्ट है स्टेप नंबर सिक्स स्टेप नंबर सेवन सिर्फ रीड करना सिर्फ रीड कुछ दिमाग मत लगाओ सिर्फ रीड करो प्लेन रीडिंग मैं समझाता हूं क्या है ये जस्ट प्लेन रीडिंग Just plain reading. शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन दिमाग में आया होगा आइए उसको सॉल्व करता हूँ हमें दो प्रकार के कैलकुलेशल्स है।, है।, है, है तो जो अलोकेशन नहीं किया हुआ है वो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है क्यों मैं बताता हूं ध्यान देना, समझना। फोकस सामने पूरी तरीके से समझना है ध्यान देना है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पांच मार्क का क्वेश्चन अगर आएगा तो ये मेजोरिटी पार्ट आने वाला है उसमें से। ध्यान दीजिएगा आपका जो नॉन एलोकेटेड सेल है देखो एलोकेटेड सेल का मतलब क्या है m1 से c3 में 140 यूनिट्स डिलीवर होंगे जिनका खर्चा ₹6 पर यूनिट होगा m1 से डमी में 110 यूनिट डिलीवर होंगे जिसका खर्चा ₹0 होगा पर यूनिट m2 से c1 में 300 यूनिट डिलीवर होंगे जिसका खर्चा ₹5 पर यूनिट होगा m2 से c2 में 20 यूनिट डिलीवर होंगे जिसका खर्चा ₹4 होगा एम थ्री से सी टू में टू फोर्टी डिलीवर होंगे जिसका खर्चा होगा। से C3 में 40 होंगे जिसका खर्चा 5 तो आपको यहाँ पे पूरा तो आ गया, जो 3820 हमने किया है, अब वो सही है या नहीं है ये समझने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का समझना होगा आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इस चीज को आपने समझा है ठीक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब मैं बोलता हूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या जहां पे मैंने अलॉटमेंट नहीं किया है क्या बोल रहा हूं मैं जहां मैंने अलॉटमेंट नहीं किया है वहां पे कॉस्ट कितना जाएगा समझ रहे हो क्या जहां मैंने अलॉटमेंट नहीं किया है अलॉटमेंट न करने की वजह से मुझे नुकसान हो सकता है क्या अलॉटमेंट अलॉटमेंट कर दियो, तो कर तो दिया ना allotment जहां मैंने नहीं किया उस वजह से मुझे नुकसान हो सकता है क्या ये मुझे समझना है तो मैंने M2 टू की जगह C3 किया हुआ है M2 C3 अगर मैंने किया होता यहां नाइन की जगह तो यहां मैंने अलॉटमेंट नहीं किया ना तो अलॉटमेंट न करने का मुझे कुछ लॉस हो सकता है क्या ये है मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉस्ट

तो मुझे तो डेल्टा निकालना है डेल्टा से मेरा आंसर आ गया तो आंसर आ जाएगा बट डेल्टा निकालने के लिए मुझे U और V की वैल्यू चाहिए U और V की वैल्यू कहां से निकालू उसके लिए मुझे स्टेप नंबर करना पड़ेगा। स्टेप नंबर नंबर करना पड़ेगा क्या बोलता है है ऑल दी सेल्स सेल्स जितने भी cells allocated, जहां पे मैंने अलोकेट किया हुआ है वहां पर मुझे यू और वी कैलकुलेट करना है इस चीज को हम यू वी मेथड भी, भी बोलते हैं फॉर्मूला क्या है सी आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे यू इज फॉर रोज तो यू आई यू आई रो नंबर U1, U2, U3, तीन रो V is for columns, J is for columns, V1, V2, V3, V4, first column, second column, third column, fourth column. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है U1 को हमें हमेशा जीरो ज्यूम करना है U1 को हमें हमेशा जीरो ज्यूम करना है सर नहीं जेपा सर बिल्कुल भी नहीं जेपा आइए पूरी तरीके से सामने ध्यान दीजिएगा पूरी तरीके से सामने ध्यान दीजिएगा मुझे पहले तो

मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से मतलब है, बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए मुझे UV के चाहिए, तो मुझे UV लगाना पहले। उसमें भी मैंने ये पढ़ा है कि यार, U1 के को मैं, कर दिया। अब मैं टेबल ड्रॉ कर, कर रहा हूं टेबल में मैं लिखता हूं अलॉकेटेड सेल ठीक है उसका कॉस्ट लिखता हूं सी आई जे फिर मैं यहां पे लिखता हूं कैलकुलेशन फॉर्मुला एंड कैलकुलेशन ठीक है और यहां पे मैं आपको ना सीक्वेंस अपने रेफरेंस के लिए आपके और मेरे रेफरेंस के लिए सीक्वेंस लिख के दे रहा हूं कुछ भी लिखना मत जिनको नहीं पता सिर्फ सामने ध्यान देना सेल सेल कौन 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 से 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 बेटा आपके बताइए से से? क्या आपने आ, रो वाइज जाएंगे सी थ्री पे अलॉकेट किया एम वन में डमी में अलॉकेट किया है, तो एम वन सी थ्री अलॉकेटेड एम वन सी डमी अलोकेटेड क्या आपने एम टू सी वन में अलॉट किया है एम टू सी वन अलॉकेटेड सेल है

ठीक है सेल सेल के नाम लिख दिया कॉलम रो कॉलम रो रो कॉलम जो भी लिख दिया एम वन सी थ्री में भी लिख दिया एम टू सी वन कॉस्ट लिख दिया फाइव ये सब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपने अलोकेशन किया लिख दिया क्लियर है राजीव शर्मा जी क्लियर है आपको बाकी लोग बाकी लोग यहां तक क्लियर है क्या पक्का यहां तक क्लियर है क्या पक्का यहां तक क्लियर है क्या पक्का ये सो नो यहां तक क्लियर है क्या पक्का अरे बोलो यार हाँ क्लियर है यहां तक पक्का राजीव जी आपको क्लियर है पक्का यहां तक ठीक है हाँ रिस्पॉन्सिव रहो थोड़ा सा प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज, प्लीज नहीं तो नहीं समझेगा ये एक ही बार समझाऊंगा अच्छे से समझाऊंगा ध्यान देना पूरा हाँ अब कैलकुलेशन क्या करना है कैलकुलेशन क्या, क्या करना है सी आई जे देखो कैलकुलेशन दिखा रहा हूं आपको क्या है कैलकुलेशन? Cij is equal to ui plus vj क्या बोल रहा हूं मैं? Cij is equal to ui plus vj एक ही कैलकुलेशन समझाऊंगा ध्यान से समझना ध्यान से समझना एक ही कैलकुलेशन समझा रहा हूं कैलकुलेशन नंबर वन क्या बोला है? Cij is equal to ui plus vj i इज कॉलम और i is row number j is column number Cij इसी के लिए करते हैं Cij कितना है? C आई और जे ये आई है यहाँ पे ये जे है यहाँ पे तो C13 वन थ्री इज इक्वल टू यू बोल सकता हूं ठीक है C13 कितना है सिक्स है U1 कितना है पता नहीं यार बट U1 को मैं जीरो अज्यूम कर सकता हूं क्या ठीक है U1 को जीरो अज्यूम कर दी सर क्यों मैंने बताया ना आपको करना है कर लो प्लस V3 कैन आई से देयरफॉर V3 इज इक्वल टू सिक्स माइनस जीरो विच इज इक्वल टू सिक्स यहां तक समझा है तो बताइए

कैलकुलेशन क्या बोलता है यू आई प्लस वीजेन प्लस वी वन क्यों फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है ठीक है अब सी वन थ्री आपके पास है U1 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 मैंने मैंने आपको आपको कहा है? U1 आपको कहा है है में क्या करना है सो यू वन जीरो जूम कर लिया तो V3 निकाल सकते हो क्या आपके पास इक्वेशन में तीन टर्म है तीन में से दो की वैल्यू आपको पता चल गई एक तो जीरो जूम किया एक तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सिक्स तो बचा क्या वी थ्री क्या वी थ्री सिक्स हो गया हाँ तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या यू वन तो मैंने जीरो लिख दिया और वी थ्री जो है यहाँ पे इसको मैं सिक्स कर सकता हूं सभी को समझा है सभी को समझा है इसका फोटो ले लो जो यहां तक मैंने बताया ना इसका फोटो ले लो फटाफट से इसका फोटो ले लो इसका फोटो ले लो हाँ मैं एक बार और समझाता हूँ पहले इसका फोटो ले लो cij is equal to ui plus vj cij कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है ui u1 तो u1 मैंने 00 कर लिया v3 मिल जाएगा क्या मुझे हाँ v3 मिल जाएगा मुझे अब आगे देखिए यहां तक अगर हो चुका है तो आगे देखिए जिनको डाउट है आगे वाला समझा रहा हूं समझना आगे वाला समझा रहा हूं समझना तो यहां पे मैं लिखता हूं C13 वन थ्री इज इक्वल टू यू वन प्लस वी थ्री सी वन थ्री कितना है सिक्स यू वन कितना जीरो प्लस वी थ्री कैन आई सेक्वल टू सिक्स वी थ्री मैंने सिक्स लिख दिया यू वन मेरे पास जीरो ऑलरेडी अवेलेबल है ठीक है चलो आगे बढ़ता हूं मैं ध्यान देना ये यू वन जीरो अब मुझे यहां पे आगे लिखना है सी वन फोर इज इक्वल टू यू वन प्लस वी फोर टू वन ये टू वन इज इक्वल टू यू टू प्लस वी वन सी टू टू सी टू टू इज इक्वल टू यू टू प्लस वी टू सी थ्री टू इज इक्वल टू यू थ्री प्लस वी टू सी थ्री थ्री इज इक्वल टू यू थ्री प्लस वी थ्री ठीक है अब आपके पास कॉस्ट तो दिया हुआ है ठीक है कॉस्ट तो सब में लिख सकते हो जीरो इज इक्वल टू यू वन पता है क्या हाँ जीरो

u3 पता है क्या मुझे नहीं पता है v3 पता है क्या मुझे हां v3 ऑलरेडी 6 मिल चुका है तो कहना है से u3 plus 6 देयरफॉर u3 क्या बोल सकता हूं मैं कैन आई से 5 6 1 ये मैंने तीसरा सॉल्व किया तो जो वैल्यू आपके पास ऐसी u1 आपने अज्यूम कर दिया तो आपका पहला क्लियर दूसरा क्लियर हो सकते हैं तीसरा भी क्लियर होगा डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन एक को अज्यूम करो जीरो आंसर निकाल दो उसके बाद बचे हुए को एक एक करके सोल्व करो तो मैंने पहले ये सोल्व किया दूसरा ये सोल्व किया तीसरा मैं ये कर रहा एग्जाम में सिक्वेंस लिखने की जरूरत नहीं है ये आपके रेफरेंस के लिए है लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो पहले ये किया ये किया दूसरा ये ये अब मैंने ये तीसरा ये क्यों सोल्व किया बिकॉज इनमें से मेरे पास सबके वैल्यूज नहीं थे ना बट लास्ट वाले में मैंने वी थ्री निकाल रखा है वी थ्री पहले में ही निकाल दिया था तो वी थ्री मिल गया सी थ्री थ्री पता है तो यू थ्री मिल जाएगा यू थ्री कितना आ गया माइनस वन यहां आइए यहां पे लिख दीजिए माइनस वन

थोड़ा थोड़ा आया बाकी लोग बाकी सब लोग नेटफ्लिक्स बराबर ना आज तो वर्ल्ड कप मैच भी नहीं है और क्रिकेट मैच भी नहीं है ठीक है चलिए तो ये क्लियर है अलोकेटेड सेल्स के साथ मुझे यूवी मेथड लगाना है और योर वी की वैल्यू निकालनी है ठीक है योर वी की मुझे वैल्यू निकालनी है मैंने यू वन यू टू यू थ्री निकाल दिया मैंने वी वन वी टू वी थ्री वी फोर सब कुछ निकाल दिया ठीक है ये सब होने के बाद अब मुझे आगे बढ़ना है अब मुझे आगे बढ़ना है अब मुझे आगे बढ़ना है ठीक है

कैप्सूल दे रहा हूँ ना हाँ सर का कैपसुल है, कैपसुल दे रहा इसके लिए से कल सब कुछ साथ में ध्यान देना पड़ेगा अनअलोकेटेड सेल में डेल्टा निकालना है। मैं एक और टेबल बना रहा हूं एक और टेबल बना रहा हूँ यहां तक अगर आपको समझा है मैं एक और टेबल बना रहा हूं ध्यान देना उसको समझते हैं ठीक है यहां नीचे बनाता हूं मैं एक और टेबल बना रहा हूं ठीक है अनअलोकेटेड सेल्स के लिए

एम थ्री सी वन हो गया और एम थ्री सी डमी हो गया ये बाद में चेक कर सकते हो ठीक है अब मुझे निकालना है डेल्टा डेल्टा आई जे इज इक्वल टू सी आई जे इन टू दी ब्रैकेट माइनस यू आई प्लस वीजे ठीक है सो so, डेल्टा ij

देखना डेल्टा टू थ्री इज इक्वल टू सी टू थ्री माइनस यू टू प्लस वी इक्वल टू कॉस्ट कितना है, U2 कितना है? U2 चेक U2 निकाला था और उसके साथ साथ आपके पास है V3. So, V3 कितना है सिक्स चेक करना माइनस टू प्लस सिक्स प्लस फोर नाइन माइनस फोर बिकम्स फाइव सेम इसी तरीके से यहां पे भी करना है अब यहाँ पे कॉस्ट कितना है आपका कॉस्ट है जीरो जीरो के बाद आ, क्या करेंगे zero के बाद फिर यहां पे कितना है सेवन माइनस ये कितना है माइनस वन प्लस सेवन ऊपर से वैल्यू निकालने है. ये आएगा वन ये कितना है ये जीरो है माइनस माइनस वन प्लस जीरो आएगा वन जिनको समझा है अच्छी बात है जिनको नहीं समझा है मैं इसका फोटो आप कैलकुलेशन देखिए वापस से डोंट वरी अब सिर्फ सामने ध्यान देना मुझे ये, ये तो वाला, डेल्टा अलोकेटेड वाला। अलोकेटेड में, में यूवी की वैल्यू मैंने निकाल दी है तो यूवी और कॉस्ट डाल दिया मेरे पास गया डेल्टा अब 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 अगर

ठीक है अब देखिए वन है वन है फाइव है टू है वन है वन है जीरो और पॉजिटिव रहा तो चलेगा नॉन नेगेटिव रहना चाहिए so, the खत्म अगर नेगेटिव है तो मुझे क्या करना है ये मैं कल समझाऊ क्लियर है जितने भी लोग लाइव अटेंड कर रहे हो अच्छे खासे लेवल पे चीज समझी है बताइएगा या ना मैं आपको ग्रुप के अंदर में ये पर्टिकुलर फोटो भेज देता हूं पूरा का पूरा ठीक है दोनों टेबल का फोटो दोनों नहीं तीनों फोटो तो में एक बार ध्यान से देख लेना चीज को इसमें कोई भी है, तो हम कल जरूर करेंगे बट ट्राई करना इसका डाउट जो भी होता है पहले ही कल लेक्चर में पूछ लेना ठीक है जस्ट यू और ये तीसरा लास्ट में नोट आ जाएगा ठीक है दूसरे ग्रुप में भी इसको फॉरवर्ड कर देता हूं जस्ट अ मिनट हाँ ठीक है पक्का चलिए बाय बाय टेक केयर कल मिलते हैं कल हम लोग सुबह मिलने वाले हैं और सुबह हम इसका क्वेश्चन सैमल्टीनियस सिमुलेशन का क्वेश्चन एंड उसके बाद हम जाएंगे uh, उस पर क्या बोलते हैं फोरकास्टिंग प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी वाला क्वेश्चन एंड मेंटेनेंस वाले क्वेश्चन कल से हमारी वो चीज है ठीक है चलो कर अच्छा वीडियो को लाइक और कमेंट अगर आपको सही लगता है तो कर देना ठीक है